हेलो दोस्तों, आज आपके एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल और फार्मर्स ड्राइव में। तो दोस्तों, आज हम एक जानी मानी कंपनी में हैं जिसका नाम है सोनालिका, और जिस ट्रैक्टर का हम रिव्यू करेंगे सबसे डिमांड में एक ट्रैक्टर है। और बात करते हैं इस ट्रैक्टर की, तो ये है अपना सोनालिका इंटरनेशनल MM39। तो शुरुआत स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। सामने आपको बम्पर मिलेगा, बम्पर के अंदर आपको छोटा हिच मिलेगा जिसके अंदर आपको हुक नहीं मिलेगा, आपको बस हिच मिलेगा तो उसमें कितना टाइम जरूरत पड़ जाए। और ये चाबी का ऑप्शन यहाँ पर बोनट खोलने के लिए, ताकि चाबी से बोनट खुल जाए। सिंपल लाइटें मिलेंगी, सिंपल ऑयल वाला एयर क्लीनर मिलेगा, साइड में सिलेंसर मिलेगा। बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो दोस्तों सिंपल एक्सल मिलेगा आपको, नॉन एडजस्टेबल एक्सल, सीधा एक्सल मिलेगा। और पावर स्टीयरिंग में मिलेगा ये ट्रैक्टर आपको, और सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलेगा इसके अंदर, डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग नहीं है। और फ्रंट टायर की बात करें दोस्तों, इस ट्रैक्टर का फ्रंट टायर है 6/16 का, इसके अंदर आपको फ्रंट टायर मिलेगा। और बात करें ट्रैक्टर की नंबर ऑफ सिलेंडर की, तो इसके अंदर आपको 203 सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि अपनी पावर प्रोड्यूस करेगा 39 HP की पावर प्रोड्यूस करेगा दोस्तों ट्रैक्टर। और बात करें इसके गियर बॉक्स की, दोस्तों इसके अंदर आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स का गियर बॉक्स मिलेगा। दिखाता हूँ आपको, बात करें ट्रैक्टर की इंजन SP की, तो दोस्तों 39 HP का ट्रैक्टर है। और इसके अंदर जो ब्रेक्स मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको ऑयल इमर्जेंसी ब्रेक्स मिलेंगे। ट्रैक्टर की CC की बात करें, तो इसका जो इंजन मिलेगा दमदार इंजन मिलेगा ये वाला, ये आपको 2780 CC का इंजन मिलेगा आपको। और इंजन रेटेड RPM इसका 1800 RPM है, मतलब जितने कम चक्कर ट्रैक्टर की लाइफ उतनी ज़्यादा 1800 RPM पे है। बाकी इसके ट्रैक्टर होते हैं उनका RPM किसी का 2100 2200 होता है, पर इसमें 1800 है। तो जितने कम चक्कर पे ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करेगा उतनी ज़्यादा ट्रैक्टर की लाइफ ज़्यादा होगी। और बात करें ट्रैक्टर के कूलिंग सिस्टम की, तो वाटर कूल्ड इसके अंदर आपको इंजन दिया गया है, एयर फिल्टर इसके अंदर आपको वेट टाइप फिल्टर दिया गया है। और PTHP इसकी दोस्तों मैं दिखाऊँ आपको, PTO दिखाऊँ, 37.7 का PTO मिलेगा, एडजस्टेबल इस मिलेगा सिंगल QRC के ऊपर, ट्रॉली उठाने के अलग से लीवर दिया गया है, 3-point लीकेज सिस्टम, एडजस्टेबल सीट और बोटल होल्डर के साथ, बीच में डंडा ताकि ट्रैक्टर वाइब्रेशन को पीछे हैलोजन लाइट दी गई है, ताकि रात में इंप्लीमेंट जोड़ते वक्त आपको दिक्कत ना हो। और मजबूत लिंकें दी गई हैं, प्लास्टिक टूल बॉक्स। पिछले टायर की बात करें, तो पिछले टायर इसके अंदर आपको 13/28 का पिछला टायर मिलेगा। और इसके अंदर जो गियर बॉक्स का टाइप दिया गया है, वो स्लाइडिंग मैच का गियर बॉक्स का टाइप दिया गया है। और साइड शिफ्टर में आपको गियर मिलेंगे। और इसकी फॉरवर्ड स्पीड जो मैक्सिमम मिलेगी आपको 34.07 किलोमीटर मिलेगी। इसको रोड करा जाए भी कहते हैं ट्रैक्टर को, रोड पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है लोड में, तो 34 किलोमीटर बहुत ज़्यादा स्पीड इसकी। पीड़ो चक्कर अपने पूरे 540 चक्कर पूरे कर लेता है। ये व्हील बेस ट्रैक्टर का आपका मिलेगा 1970 का आप मिलीमीटर का, इसके अंदर आपको व्हील बेस मिलेगा। और ट्रैक्टर की लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी आपको 1800 kg लिफ्टिंग कैपेसिटी मिलेगी। ट्रैक्टर के अंदर आपको एसेसरीज में हुक, बम्पर, ड्रॉप और हुड, टॉपलिंग वगैरह मिलेंगे। बात करें ट्रैक्टर कंप्यूटर की, तो महिंद्रा U1015 पावर ट्रैक LT3500, आयसर का 368, VST विराज और एस का 350 NG, ये इसके मिलेंगे कंप्यूटर मिलेंगे आपको। मैसी फर्ग्यूसन 1035 ये इसके कंप्यूटर मिलेंगे। बात करें बैटरी की, इसके अंदर 12 वोल्ट 80 एम्पीयर की बैटरी मिलेगी आपको यहाँ पर बार मिलेगी। और उन्होंने डायनोमो के ऊपर आपको कवर मिलेगा, ताकि कोई दिक्कत ना होते वक्त उसका आराम से बचा ले जाए। थोड़ा ट्रैक्टर की रेस मिलेगी, ट्रैक्टर का हैंड ब्रेक मिलेगा आपको, ये लाइट का कंट्रोल। सामने आपको ग्रिल मिलेगी क्रोम में, और ऊपर चढ़ने के लिए आपको पायदान मिलेगा, ये PTO गियर दोस्तों। सब मीटर कुछ ऐसा इसका ऐसा कुछ मीटर मिलेगा आपको ट्रैक्टर का। और नीचे ये दिया गया, इसे ट्रैक्टर बंद करने का भी ऑप्शन दिया गया, RPM मीटर, टेम्परेचर गेज, बैटरी का करंट और फ्यूल गेज, ये शायद इंजन ऑयल के लिए दिया गया है। और यहाँ पे कितने घंटे चल गया उतना दिखाएगा। और ऐसा कुछ मीटर मिलेगा यहाँ पे अपने 540-1500-1600 के बीच में अपने पूरे चक्कर, ये 1500-1700 पे अपने पूरे 540 चक्कर पूरे कर लेता ही है अपना। अब ट्रैक्टर को शॉर्ट करने से पहले न्यूट्रल करेंगे। तो दोस्तों मैं अब आपको ट्रैक्टर के बाद सुनवाऊँगा।
दोस्तों, आपको ट्रैक्टर कैसा लगा, ट्रैक्टर की आवाज़ कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। और वीडियो पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।